हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्लीव्स का डिज़ाइन बनाना। तो स्लीव्स मैंने ऑलरेडी कट करके रख लिया है यहाँ पर। अब हम डिज़ाइन की जो है ना मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर से हमें 4 इंच पे एक निशान लगा लेना है, तो हमने 4 इंच पे एक निशान लगाना है और साइड से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को मिला लेंगे राउंड शेप में। तो इस तरह हमने दोनों निशानों को मिला लिया है। अब हम 1.5 इंच पे एक दूसरा निशान लगाएंगे। अब इसे हम यहाँ पर शेप दे देंगे हल्का सा तिरछे में। इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप यहाँ पर दे दिया है। सेंटर हम कट कर लेंगे यहाँ पर। अब इसे हमने ओपन कर लेना है और दूसरी साइड इसे पलट के हम डैब डैब करेंगे, ताकि ये जो निशान है वो दूसरी साइड भी उभर के आ जाए। अब इसे चाक से हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं निशान को। तो इस तरह से हमें डार्क कर लेना है। अब इसे भी हम ना टैप टैप करेंगे, ताकि ये हमारे दूसरे स्लीव्स पे भी आ जाए। अब एक ही स्लीव्स हमें रखना है यहाँ पर। मैं एक ही स्लीव्स आप लोगों को बना के बता रही हूँ, दूसरा आप सेम उसी तरह रेडी कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे मेन फैब्रिक पे भी रख लिया है और 20 सेंटर पे जो हमने मार्क किया था डिज़ाइन का, बस उस पर ही आपको सिलाई लगानी है। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर मैं सिलाई कैसे लगा रही हूँ। आपको भी बस वैसे ही सिलाई लगा लेनी है। हमने जो पूरा राउंड किया था वहाँ पर हमें नहीं लगाना है, बस बीच सेंटर में जो हमने राउंड किया है वहीं पर ही आपको सिलाई लगा के यहाँ पर हमें ला के एंड कर देना है। अब यहाँ पर हम धागा कट कर देंगे। अब ये जो हमने सिलाई लगाया है उसे भी हम कट करेंगे। तो पहले छोटा सा कट लगा लेते हैं, उसके बाद हम इसे इस तरह से राउंड में कट कर लेंगे। तो हमारी कटिंग हो गई है। अब ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे हम कट करेंगे, ताकि इजीली आसानी से पलट जाए फिनिशिंग के साथ में। तो इस तरह हमने ये कॉर्नर कट कर लिया है। अब ये जो बाकी का हमारा जो अस्तर का कपड़ा है, यहीं से हमें इसे पलट लेना है। तो इसे हमें इस तरह से पलट लिया है। अब इसको अच्छे से फिंगर से हम इसे प्रेस करेंगे, ताकि ये अच्छे से दब जाए। और इसके ऊपर हमें अभी एक सिलाई लगाएंगे, ताकि ये और भी अच्छे से दब के सेट हो जाएगा। तो ऊपर से हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे यहाँ पर। तो हमारी जो सिलाई है वो लग चुकी है। धागे कट कर लेना है। अब इसे हमें पलट लेंगे और चारों तरफ से इसे सिलाई लगा के मेन फैब्रिक और अस्तर को हमें अटैच कर लेना है। तो देखिए, हमने मेन फैब्रिक अस्तर को अटैच कर लिया है और साइड से भी मोहरी को भी हमने फोल्ड कर लिया है यहाँ पर। अब ये जो हमारा डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो गया है। इसको हम साइड में रखते हैं और इसको डेकोरेट करने के लिए हम फिर से लेंगे, एक पट्टी ले लेते हैं और इसको जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं बस ऐसा ही फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लें। आप चाहे तो इस पर सिलाई लगा के इसे पलट भी सकते हैं चौड़ी, बट आप इस तरह से भी सिलाई लगा सकते हैं। आप जैसे चाहे वैसे आप इस पर सिलाई लगा के, आपको बस एक पट्टी रेडी करनी है। तो हमने ये देखिए पट्टी रेडी कर लिया है यहाँ पर। अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, मीन्स 1.5 इंच लगभग, 1.5 इंच के उससे हमें कट करना है। तो हमने यहाँ पर 1.5 इंच पर कट कर लिया है। तो इस तरह हमने सारी पट्टियाँ कट कर ली है। अब हम स्लीव्स ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर स्लीव्स ले लिया है और यहाँ पर जो राउंड शेप दिए हुए थे उसे उस पर फिर से एक बार हम निशान लगाएंगे। तो हमने इस तरह से निशान लगा लेना है और इसे पलट के फिर से हमें डैब डैब कर लेना है, ताकि निशान सेम दूसरी तरफ भी आ जाए। तो देखिए, ये हमारे दूसरी तरफ भी निशान आ गया है। अब ये जो हमने छोटे छोटे पट्टी जो हमने रेडी किए हैं उसे यहाँ पर अटैच करना है। अब ये आप अपने हिसाब से कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं जो डिस्टेंस यहाँ पर छोड़ रही हूँ 1 इंच लगभग, क्योंकि आधा इंच तो हमारे जब हम ब्लाउज़ पे आस्तीन फिट करेंगे तो उस पर चला जाएगा, तो मैंने 1 इंच यहाँ पर छोड़ दिया है। और जो हमने पट्टियाँ कट किए हैं उसे इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। आप इसका इसका जो गैप है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं, पास पास भी रख सकते हैं या थोड़ी दूर दूर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम जो पट्टियां हैं उसको पूरे स्लीव्स पे सिलाई करके अटैच कर लेंगे।
तो हमने यहाँ पर पट्टियाँ अटैच कर ली है। अब इस पर हम लेस लगाएंगे, तो आप अपनी पसंद का कोई भी लेस यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमें पूरे उस पर लेस अटैच कर लेना है। तो एक बार हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है लेस पे, दूसरी बार भी हमको यहाँ सिलाई लगा के इसे अच्छे से पक्का कर लेते हैं। तो हमारी सिलाई लग चुकी है, लेस अटैच हो चुका है। अब ये जो हमारी मोहरी है वहाँ पर भी हम लेस लगा लेंगे। तो इस तरह मोहरी पे भी हमने लेस लगा लिया है। जो एक्स्ट्रा बचा है उसे कट करके इस पे दोबारा सिलाई फिर से लगाएंगे दूसरे कॉर्नर पे। तो इस तरह हमारा जो लेस है वो अटैच हो गया है। अभी हमें डोरी ले लेनी है, तो ये डोरी हमने गोल्डन कलर का लिया है। इसको इस तरह से हम मेज़र कर लेते हैं। आपको जितनी लंबी डोरी चाहिए उतनी लंबी आप डोरी रख सकते हैं और बाकी डोरी हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें दो पीस चाहिए, तो हमने बराबर दो पीस डोरी कट कर लिया है। अब इसका लटकन बनाएंगे। लटकन बनाने के लिए हमने फैब्रिक ले लिया है, 2.5 इंच चौड़ी और 2.5 इंच लंबी है ये। और इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम छोटा सा लटकन बनाएंगे। तो एक साइड का लटकन हमारा बन चुका है। सेम दूसरी तरफ भी हमको वैसे ही लगाना है, मीन्स दूसरी वाली डोरी पर भी हमें सेम वही लटकन लगाना है वैसे ही बना के। यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसे जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट करेंगे, उसके बाद इसे हम पलट लेंगे। तो देखिए हमने इसे पलट लिया है, हमारी डोरी रेडी हो गई है। अभी हम एक पिन ले लेना है और इसमें हम इसे लगा लेंगे और अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं सेंटर से लगाना शुरू कर रही हूँ, तो आप भी इसी तरह सेंटर से यहाँ पर लगाना शुरू करें डोरी को। तो एक साइड हमारी डोरी लग चुकी है, दूसरी साइड भी आपको सेम इसी तरह लगाना है। तो हमने दोनों साइड डोरी लगा लिया है यहाँ पर, और जो डोरी को उसको भी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं ताकि सरके ना इधर उधर। और इस तरह हमारा स्लीव्स बन के रेडी हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।